सब सिखाते हैं कि आप लिख के साट दो, हमको टॉपर करना है यार, लिख के साट दो। आप दसवां में जो जुनून से पास किए हो ना, जो जुनून दसवां पास करता है लड़का, उसके बाद जाते सोचता है हम साइंस लेंगे, हजारी बार पढ़ेंगे, पूरा शुरू में जुनून रहता कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो जुनून आदमी भूल जाता है। वो जुनून कैसे रहेगा बरकरार, उसके लिए पूरा लिख के साटो, मोबाइल के वॉलपेपर बना दो कि हमको टॉप करना है, हमको उससे ज्यादा नंबर लाना है, हमको फर्स्ट डिवीजन के बिना कोई उपाय नहीं, लाएंगे फर्स्ट डिवीजन। होगा क्या ना कि आप जब भी देखोगे मोबाइल, आदमी दिन भर 24 घंटा 25 घंटा देखते रहे, जब आप देखोगे याद आते रहेगा, ताजा रहेगा वो चीज। आप बोल दो, सबके बोल के हल्ला कर दो एकदम, पूरा हल्ला करके रख दो कि हम आईएससी टॉपर कर रहे हैं, दसवां मेरा 450 नंबर आ रहा है, क्या बोलना है बोलिए, मैथ में हम 100 नंबर लाएंगे तो लाएंगे, क्या कहना है बोलिए। इतना हल्ला कर दो ना ताकि आपको लगे कि अगर हम नहीं लाएंगे तो क्या होगा, फिर पूरा हंसेगा गांव वाला मेरे ऊपर, मेरा घर के ऊपर हंसेगा, घर वाले के ऊपर हंसेगा कि आपका बेटवा पूरा हल्ला करता था कि मैथ में इतना लाएंगे, इतना टॉपर करेंगे, गांव में टॉपर करेंगे, सर को बोल दिया कि टॉपर करेंगे, क्या हुआ। ये सब सोच सोच के जानता, आपका इतना एनर्जी मिलेगा ना, आप इतना मोटिवेट होगा कि पढ़ाई ऑटोमेटिक होगा, ये पढ़ाई होगा ही होगा। वही सोच हम लोग भी लेके चलते हैं, बहुत तरह का बात उठता है, कभी कभी मन करता है नहीं यार ये करना वो करना है, जो बोलते हैं सही है, लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं। यही हंसी मजाक में बहुत स्टूडेंट है कि यही हंसी मजाक करके अपना बात पूछ लेता है, जानकारी जान लेता है, यही हंसी मजाक में आदमी पूछ भी लेता है कि सर नहीं समझ में आया। अगर हंसी मजाक नहीं करेगा ना आदमी तो नहीं पूछेगा, फिर वो बात वहीं का वहीं दबल रह जाएगा। और जब आपका बातें दबल रह जाएगा फिर बाहर फाइट कैसे करो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे यार, बड़ी मुश्किल है। जो अभी पढ़ाई चल रहा है ना उसके अनुसार अगर आपको पढ़ाया जाए तो नहीं कर पाओगे, सच्चाई यही है, नहीं कर पाओगे, तो मुश्किल है। जैसे तैसे पढ़ा दिया जाए नहीं पढ़ पाओगे आगे बढ़ के, आपको यहाँ पूछने का बोलने का फ्रीडम नहीं दिया जाए, आगे आप किसी को टक्कर नहीं दे पाओगे, धीरे धीरे क्या होगा सुस्त हो जाओगे, और सुस्त होने से कोई फायदा नहीं। लेके पढ़िए अच्छा सब्जेक्ट, तभी आप अच्छा कुछ कर पाओगे, और अच्छा सब्जेक्ट आप तभी ले पाओगे जब आप भी साहब पूरा एकदम रहोगे खतरनाक बनल, तब ना हर तरीका से। आदमी को खाली पढ़ना ही जरूरी थोड़ी है, हर तरीका हर फील्ड में तेज तरार होना चाहिए, हर तरीका से तेज तरार होना चाहिए। वो आप लोग में है, किसी का बात सुनना नहीं, वो आप लोग में है, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई का जो कमी है उसको सुधारना है, उसको मजबूत करना। बोल दिए अच्छा किए, हम तो बोलते हैं कि सबको बोल दो, सब सर को बोल दो कि आपका सब्जेक्ट में सर नंबर ना चाहिए, सर बोलिए दिखा दो लाख, लेकिन उस पर कामयाब रहो, फूकना नहीं है करके दिखाना है, शांत होकर के एक ही बात बोलना है लेकिन उसको करके दिखाना है, समझे जी, भीड़ से अलग चलना है लेकिन करके दिखाना है, फूकना नहीं है, एकदम शांत होकर मेहनत करना है करके दिखाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, करके दिखाना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं रहना है, लेकिन करके दिखाना। करने वाला पढ़ाए कहीं काम नहीं देने वाला, एकदम नोट करके लिख लो। रटने वाला पढ़ाए कहीं काम नहीं देगा, कॉपी भरने वाला पढ़ाए कहियो जिंदगी में काम देगा, काम देगा वही पढ़ाए जो आपका दिमाग में रहे, आप जितना दिमाग में रहोगे वही पढ़ाई काम देगा, वही दिमाग से, वही दिमाग वाला पढ़ाई से आप तेज हो जाओगे, तेज हो गए बुर्बक वही पढ़ाई से बनोगे, वही दिमाग वाला पढ़ाई से आप टॉपर करोगे, फर्स्ट सेकंड डिवीजन हो जाओगे, वही दिमाग वाला पढ़ाई से आपको गांव में तेज बोलेगा बुर्बक बोलेगा। तो आप पर अब डिपेंड करता है कि कॉपियां भरना चाहते हो कि रटना चाहते हो कि समझना चाहते हो। अगर आप समझिएगा इसको भरते जाइएगा आप हर जगह तेज रहोगे, फिर आपका सारा माप होते चला जाएगा। कितनों आदमी परेशान करे, वो समाज का नियम है कि जो अच्छा करता है जो मार्केट में चलता है उसको आदमी बदनाम करता है, वो होगा आप लोग साथ भी होगा, आप लोग भी जब तरक्की करोगे आप लोग साथ भी होगा। कम से कम हमसे सीखिए कि कैसे आपको खड़ा रहना है, डट के मुकाबला करना है, बस आप जो काम कहिएगा कीजिएगा उसमें खाली ईमानदार रहिए, बाकी बात कितनों को कुछ कहे आएगा पूरा झोंका बन के आंधी तूफान जैसा, और ऐसा चल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको उस समय ईमानदारी से अपना काम में रहना पड़ेगा। अगर आप उसमें ईमानदारी से नहीं रहिएगा तो फिर आपको कोई भी साथ देने वाला नहीं, समझे जी, जब समझे सब कीजिए लेकिन पढ़िए यार, मजाक मस्ती खूब करोगे पता चलेगा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इस, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं अच्छा होगा, समझो उससे रिजल्ट अच्छा नहीं होगा।
और जब रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ना, तो कल होके जो तुमको बोल रहा है कि बहुत अच्छा किए आप, बहुत अच्छा हुआ फर्स्ट, रिजल्ट के समय आपका नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं रहे, आपका नाम भी वो नहीं लेगा। उस दिन वही आदमी बोलेगा कर वो तो बिगड़ल था, बदमाश, सबसे बदमाशी तो वही करता, यही होता है। और जब अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं, जैसा वही बोल रहे हैं अभी, आप कितनों अच्छा करने की कोशिश करो, रात दिन मेहनत करोगे, अभी बोलेगा लेकिन रिजल्ट के दिन वही आदमी आपको पहले खड़ा बोलेगा तुम तो बुर्बक था रे, तुम तो बदमाश था रे, समझे। आपको वो देखना है, हम नहीं बोलते ये मत देखिए, देखिए लेकिन उसमें भी आपको टाइम देना, समझे जी, नहीं उतना ही टाइम है, आपका भी टाइम पार हो जाएगा नहीं, समझे, समझ गए। कम बोले, ज्यादा समझिए, आप दसवां पहुंचिए क्या।